हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द T5 एंड्रॉयड कार प्ले। दिस प्लेयर सपोर्ट एप्पल कार प्ले। इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट पैनल की। तो हम इस प्लेयर में आज देखेंगे कि जो पैनल की वर्क नहीं करता है तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये T5 एंड्रॉयड कार प्लेयर है जो एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है। चलिए देखते हैं इसमें हम जो अगर पैनल की वर्क नहीं करता है तो ये सेटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, पहले हम ये देखिए पैनल की पर अगर हम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जैसे हम ये वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, पावर, होम, बैक, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, कोई भी हम अगर बटन पैनल की वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप कार सेटिंग्स ओपन करेंगे या फिर आप यहाँ से कार सेटिंग ओपन कर लेंगे या फिर नोटिफिकेशन बार से। देन सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। देन फैक्ट्री सेटिंग, अगेन क्लिक करेंगे फैक्ट्री सेटिंग पे, ठीक है, क्लिक ऑन फैक्ट्री सेटिंग। देन इंटर पासवर्ड 2014, देन कंफर्म। किसी किसी प्लेयर में जो पासवर्ड है 1617 से ओपन होगा। ओके, बहुत सारे हमारे ऑप्शन ओपन हो गए हैं। इस पर हम टच स्टडी पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन टच स्टडी, अगेन क्लिक ऑन टच स्टडी, ठीक है, टच स्टडी पे क्लिक करके देन अगेन टच स्टडी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट पहले क्लियर करेंगे, देन स्टार्ट क्लिक करेंगे। देन हम एक एक करके अपना पैनल बटन सेट करेंगे। पहले पावर, देन पैनल की से पावर, देन होम, देन पैनल की से होम, देन बैक, देन पैनल की से बैक, देन वॉल्यूम प्लस, देन वॉल्यूम पैनल की से वॉल्यूम प्लस, देन वॉल्यूम माइनस, देन पैनल की से वॉल्यूम माइनस। तो एक एक करके हमने अपना एक पैनल की सेट कर ली है। देन एंड करेंगे। अब देखिए हमारा पैनल की वर्क करेगा। जैसे कि हमने बैक डायरेक्ट होम पेज पे मैंने क्लिक किया तो होम पेज होगी। इसे म्यूट बटन, पावर बटन वो भी वर्क कर रहा है, वॉल्यूम प्लस भी वर्क कर रहा है, वॉल्यूम माइनस भी वर्क कर रहा है, और हमारा बैक बटन भी वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हमारा T5 में अगर हमारा पैनल बटन वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम सेटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।